गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर 13 इन द प्रीवियस क्लास. द चैप्टर नेम इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस. तो बच्चों, आप अपने आसपास सराउंडिंग एरिया को जब ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर आपको कई सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स की वैरायटी, कई सारे बर्ड्स नजर आते हैं. एक्चुअल में ये क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम को बनाते हैं. इकोसिस्टम कैसे बनता है कि जब एनिमल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स के इंटरेक्शन से और उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन से जो एक सिस्टम बनता है, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. तो एक पॉन्ड अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एक फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, एक डेजर्ट एक इकोसिस्टम है, और देखा जाए तो पूरा जो अर्थ है वो भी एक अपने आप में एक इकोसिस्टम है. ओके, तो अर्थ भी क्या है, एक इकोसिस्टम है. इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं. तो किसी एरिया में कितना वेजिटेशन होगा, किसी एरिया के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज होगी, कितनी रिच स्पीसीज होगी, ये सब डिपेंड करता है उस ज्योग्राफिकल एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन पर. समझ में आ गई बात. जैसे कि मान लो डेजर्ट एरिया देखें अपन, जैसलमेर ले लेते हैं, तो वहां पर क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो वहां पर वेजिटेशन नहीं है, खेती बाड़ी कम है, और यही कारण है कि वहां पर पॉपुलेशन भी कम है, वहां पर स्पीसीज की भी स्कार्सिटी कमी है, मतलब स्पीसीज कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, डेंसली वो नहीं है पॉपुलेटेड, ठीक है ना. तो ये है. तो लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ भी बनाया था और उसमें अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग बताया था कि जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है, मतलब साल भर की जो रेनिंग है या स्नोफॉल है, एक तो वो डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है, कौन कौन सी स्पीसीज होगी, वेजिटेशन कैसे होगा, और एक टेम्परेचर, फेवरेबल टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी फेवरेबल नहीं है और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर भी सही नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए. बायोम, BIOME, बायोम क्या है, किसी एरिया का, किसी ज्योग्राफिकल एरिया का कंप्लीट फ्लोरा और फौना, ये क्या है, बायोम है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं. लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक इकोसिस्टम में दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं. एक इकोसिस्टम को टू टाइप के कंपोनेंट मिलके बनाते हैं. एक तो है एबायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर, इसके बाद में वाटर, लाइट एंड सॉइल, ये एबायोटिक फैक्टर है. टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ठीक है. सेकंड लेते हैं बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर में उस एरिया के, उस इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात आपके. उस एरिया के या उस इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जाता है, पैथोजन्स को, पैरासाइट्स को, प्रीडेटर्स को, कॉम्पिटिटर्स को. बच्चों ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. क्या आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं इनको, रिपीट करें, चलो मैं लिख देता हूं. एक इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर, इकोसिस्टम इकोसिस्टम के पहले लेते हैं एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स में ए है टेम्परेचर, बी वाटर, सी लाइट एंड डी सॉइल. बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स में ए पैथोजन, पैरासाइट
predators and B, competitors. बच्चों फिर से सुनिए, ये इकोसिस्टम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे हायर क्लास में भी पूरी बुक लगती है इकोसिस्टम या इकोलॉजी के ऊपर। एक इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम मतलब कोई भी एक एरिया, जैसे कि एक तालाब है, एक जंगल है, एक डेजर्ट है, एक कोई और कोई टुंड्रा एरिया है, कुछ भी है जहां पर प्लांट भी है, एनिमल भी है, ऑर्गेनिजम्स भी है और वो अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके एक सिस्टम को बनाते हैं। बच्चों आप मानो या ना मानो, हम भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है। हम हमारे समाज के अंदर, हमारे लोगों के अंदर रहते हैं और हम हमारे शहर के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं है हम अगर कहीं बाहर शिफ्ट होंगे तो जल्दी से वहां एडजस्ट नहीं हो पाएंगे मेंटली भी, और हमारा जो है डिस्टर्बेंस रहेगा कि यार वो लोग जो जिनके साथ हम रोजाना टाइम बिता रहे हैं वो लोग वहां नहीं होंगे। तो एक इकोसिस्टम के अंदर दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। एक तो है एबायोटिक फैक्टर्स और एक है बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल है। ओके अंडरस्टूड। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं टेम्परेचर। बच्चों जो टेम्परेचर है वो नेचुरली अफेक्ट करता है। एकदम बेस्ट जो सुटेबल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने देखा होगा कि अक्टूबर में अपन कंफर्ट महसूस करते हैं, लेकिन जून में या दिसंबर में या जनवरी में थोड़ा सा अनकंफर्ट रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है। तो ये चीज हर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होती है, बैक्टीरिया पर भी, मच्छरों के ऊपर भी, मॉस्किटोज के ऊपर भी। आप देखो गर्मी में एकदम मच्छर गायब हो जाते हैं, लेकिन ये जो सीजन चेंज होता है ना, इस समय जो है मॉस्किटो सर्वाइव करता है क्योंकि टेम्परेचर फेवरेबल रहता है। तो नेचुरली किसी एरिया का जो टेम्परेचर है ना, तापमान जो है वो वहां के ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो प्लांट भी अफेक्ट हो जाते हैं, प्लांट के अंदर जो एंजाइम्स हैं डीनेचर हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो टेम्परेचर अफेक्ट करते हैं। तो इसी के बेसिस पर यहां पर दो टर्म है, यहां पर दो टर्म बता रहा हूं बच्चों टेम्परेचर के बेसिस पर, यूरी थर्मल, यूरी थर्मल एंड स्टीनो थर्मल। यूरी थर्मल, स्टीनो थर्मल, एग्जाम्पल कैट, कोमा डॉग, कोमा टाइगर, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, यूरी थर्मल ये एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है। यूरी थर्मल क्या है कि ऐसे एनिमल जो टेम्परेचर की लॉन्ग रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब वो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं, लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं, कैसे भी करके अपने मेटाबॉलिक एनर्जी को खर्च करके वो अपने बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे एनिमल जो टेम्परेचर की लॉन्ग रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरी थर्मल एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि कैट, डॉग और टाइगर, ये सभी क्या है, मैमल्स। आप सबको पता है कि मैमल्स और बर्ड्स ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो कि अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, बाहर चाहे कैसा भी हो। सेकेंड लेते हैं स्टीनो थर्मल, ऐसे एनिमल जो टेम्परेचर की शॉर्ट रेंज को भी सहन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन होने पर वो टॉलरेट नहीं कर सकते और उनके अंदर का टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ में। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, स्टीनो थर्मल एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीनो थर्मल एनिमल कहते हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स है, रेप्टाइल्स है, मतलब बर्ड्स को और मैमल्स को छोड़ के बाकी जो भी हैं सारे वो लगभग स्टीनो थर्मल ही हैं, क्योंकि उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंजेबल है विद द एक्सटर्नल टेम्परेचर। ओके चलिए अब बात करते हैं वाटर की। इसमें भी दो ग्रुप है, एक तो यूरी हेलाइन
यूरी, हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन. यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन. एग्जाम्पल, स्विस मॉली. फ्रेश वाटर फिश एंड गोल्ड फिश. हाँ जी, ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना आप लोग. ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लें. हाँ बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं वाटर. वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है किसी भी इकोसिस्टम का, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी डिसाइड करती है कि वेजिटेशन कैसा होगा, और वेजिटेशन या क्रॉप से डिसाइड करती है कि वहां कितनी स्पीशीज पाई जाएंगी. अब एक चीज और, आप सब सोचेंगे कि पानी तो एक जैसा ही है, पानी का कलर एक जैसा है, फिर क्या दिक्कत है. नहीं बच्चों, हर जगह का पानी का नेचर अलग अलग होता है. पानी तो पानी है, लेकिन पानी के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल्स है, पानी के अंदर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं या सॉल्ट्स हैं, वो पानी के नेचर को डिसाइड करते हैं. आज हमारे यहाँ का पानी थोड़ा डिफरेंट है, अब हम बाहर जाएंगे तो वहां का पानी का नेचर अलग होगा. तो पानी का नेचर अफेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रकार के एनिमल के ग्रुप हैं. एक तो है यूरी हेलाइन. यूरी हेलाइन उन एनिमल्स को कहते हैं जो सॉल्ट की लॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, सॉल्ट की कम या ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन को सहन कर सकते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, अपने ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस के पैटर्न को बैलेंस करके. जैसे कि फिश मॉली. सेकंड लेते हैं स्टीनो हेलाइन. स्टीनो हेलाइन जो एनिमल्स हैं वो सॉल्ट की एक लिमिट तक ही सहनशीलता है उनके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की. ज्यादा सॉल्टी वाटर होने पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, स्टीनो हेलाइन कहते हैं. जैसे कि फ्रेश वाटर जो फिशेज होती हैं, इसके अलावा जो गोल्ड फिश है, तो ये सब कम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर ही सर्वाइव करते हैं, ज्यादा सॉल्टी कॉन्सेंट्रेशन पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. इसी के तरीके से नेक्स्ट है लाइट. इधर देखिए बच्चों, आपको पता ही है कि लाइट कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो सनलाइट है वो ओनली सोर्स है. सनलाइट जो है पूरे वर्ल्ड का एनर्जी का सोर्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आज हम कहते हैं कि हमें तो सनलाइट नहीं, हमें भी एनर्जी के लिए इनडायरेक्टली सनलाइट पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं वो सनलाइट की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है. ठीक है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में. सनलाइट के अंदर डिफरेंट स्पेक्ट्रम की, डिफरेंट वेवलेंथ की रेज होती है, वो हमारे क्लाइमेट को, हमारे नेचर को अफेक्ट करती है. तो लाइट इज द इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर. ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सॉइल. बच्चों सॉइल भी इफेक्ट करती है. सॉइल भी किसी एरिया के वेजिटेशन को इफेक्ट करती है और वहां रहने वाली स्पीशीज को अफेक्ट करती है. अब अपने यहाँ डेजर्ट है, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, तो डेजर्ट है, तो यहाँ खेती बाड़ी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो सॉइल है उसके पार्टिकल मोटे हैं, दाने बड़े हैं उनके, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं, ह्यूमस है नहीं सॉइल के अंदर. तो इस वजह से क्या, उपजाऊपन जो फर्टिलिटी है वो पार्ट है नहीं यहाँ पर. ठीक है, तो सॉइल के पार्टिकल्स, सॉइल में पाए जाने वाला जो ह्यूमस है, जो ऑर्गेनिक डार्क कलर का जो एमोर्फस सब्सटेंस है उसे ह्यूमस कहते हैं. इसके अलावा सॉइल के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और सॉइल के अंदर पाए जाने वाली जो मॉइस्चर है, नमी है, वो सॉइल के नेचर को अफेक्ट करते हैं. पता ही समझ में आया नहीं है, आ गया. तो इस तरीके से बच्चों ये हम टॉपिक डिस्कस करें, यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन का पार्ट. ये वाटर का हो गया, और टेम्परेचर में यूरी थर्मल और स्टीनो थर्मल. लाइट को मैंने समझा दिया, सॉइल को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, दोबारा सुन लीजिए. सॉइल के पार्टिकल्स, सॉइल में पाए जाने वाला मॉइस्चर, सॉइल की जो पीएच है वो, और सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल के अंदर पाए जाने वाले ह्यूमस, ये सब सॉइल के नेचर को बनाते हैं. आज राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, इसके दो हिस्से हैं. एक तो अरावली जो सीरीज है, जो अजमेर जाए तो आप देख पाएंगे, जो झुंझुनू से स्टार्ट, दिल्ली से स्टार्ट होती है एक्चुअल में. तो अरावली के इधर का एरिया पूरा सूखा है, ड्राई है, जिसमें
बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और आप अगर अजमेर और अजमेर से आगे जाए कि केकड़ी जाएं, करौली जाएं, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बूंदी है, तो ये पूरा फर्टाइल एरिया है। मिट्टी काली है यहाँ की और उपजाऊ है, पानी की कोई कमी नहीं है, बारिश खूब होती है और खेती बाड़ी अच्छी है। मतलब मैं एक बार कोटा में मैंने देखा, मेरे कोई फ्रेंड थे तो उनका सिर्फ 5 बीघा जमीन, सिर्फ कितनी 5 बीघा, 5 बीघा जमीन के अंदर उन्होंने वो क्या कहते हैं, थोड़ी दूरी पर वो कह रहा है कि 10 फीट में पानी आने लग जाता है, खुदाई करते हैं जो, तो वो थोड़ा सा करवा रखा था उन्होंने, फार्म हाउस बना रखा था और खेती होती है वहाँ फसलें। वो हमारे यहाँ हमारे पास में 50 बीघा भी है लेकिन कोई मतलब नहीं है उस जमीन का, क्योंकि फर्टिलिटी है नहीं सॉइल के अंदर, ठीक है ना। और अगर कोई कुआं खुदवा भी रहा है, ठीक है ना, तो सक्सेसफुल नहीं है। जबकि आप यहाँ डूंगरगढ़ जाओ, सेरुना से आगे, तो डूंगरगढ़ में फर्टाइल है सॉइल और कुएं जो है सक्सेसफुल है, और जो किसान भाई है वो लाखों रुपए में मतलब खेल रहे हैं, मतलब कितना आमदनी है उनके पास, है ना। आप सभी अच्छी फैमिली और बढ़िया ये पूजा हो तो फार्म हाउस वगैरह होंगे आपके भी होंगे, आयुष के तो है बिजनेस है लेकिन मतलब नहीं है ना, डेजर्ट है। हाँ चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों नेक्स्ट लेते हैं रेस्पॉन्सेज, रेस्पॉन्सेज टू ए बायोटिक, रेस्पॉन्सेज टू ए बायोटिक सेक्टर, रेस्पॉन्सेज टू responses to a biotic sector।
हाँ बच्चे ध्यान से देखिए इधर, नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। अब बात करते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो बायोटिक फैक्टर का पार्ट है, तो उनका क्या रेस्पॉन्स रहता है एबायोटिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ के अंदर ये जो एक्सिस है ये एक्सटर्नल लेवल को शो कर रहा है और ये ऑर्गेनिज्म के इंटरनल लेवल को शो कर रहा है। तो इस ग्राफ से ये शो हो रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जो रेगुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? रेगुलेटर होते हैं, यानी कि वो अपने अंदर के टेम्परेचर को, अंदर के एनवायरमेंट को, बॉडी के बैलेंस रखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेगुलेटर कहते हैं। बाहर चाहे कुछ भी हो, बाहर कुछ भी चेंजेस हो जाए, वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं, होम्योस्टेसिस की कंडीशन में रखते हैं। तो उनका जो ग्राफ है वो सीधा आता है, इन्हें हम कहते हैं रेगुलेटर। कुछ होते हैं कंफॉर्मर, जो कि पॉइकिलोथर्मिक हो सकते हैं। पॉइकिलोथर्मिक मतलब जिनके इंटर बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंजेबल होता है। ठीक है, तो कंफॉर्मर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बाहर के क्लाइमेट या बाहर के टेम्परेचर या बाहर के एनवायरमेंट के चेंज होने पर अपने अंदर भी चेंजेस ले आते हैं या चेंजेस हो जाते हैं। तो उनका ग्राफ सीधा आता है, स्ट्रेट आता है, ध्यान से देखिए। तो इन्हें हम कहते हैं कंफॉर्मर। क्या कहते हैं? कंफॉर्मर। फिर लेते हैं पार्शियल रेगुलेटर। पार्शियल रेगुलेटर उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो इनिशियली तो चेंज आता है, मतलब बाहर का नेचर या एनवायरमेंट चेंज होने पर इनिशियली तो चेंज आता है, फिर वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर वो अपने आप को क्या करते हैं? अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? अडॉप्ट कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्शियल रेगुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल रेगुलेटर। तो उनका ग्राफ शुरुआत में तो स्ट्रेट आता है, फिर एकदम सीधा हो जाता है। ठीक है, ये शुरुआत में तो ये ग्राफ बढ़ता हुआ बता रहा है, लेकिन बाद में फिर वो अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं। अब बच्चों मैं कुछ एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा कि रेगुलेट कंफर्म क्या क्या करते हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या क्या ऐसे चेंजेस लाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेट की। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म स्पेशली जो एवीज हैं, यानी कि जो बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, वो अपने आप को रेगुलेट रखते हैं अपने बॉडी के, वो होम्योस्टेसिस की कंडीशन में रहते हैं। दे आर द होम्योस्टेटिक एनिमल्स। आगे बात समझ में, होम्योस्टेटिक ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर ऐसी मेटाबॉलिक एनर्जी बनती है या वो खर्च करते हैं मेटाबॉलिक एनर्जी को, जिससे वो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिक एनिमल्स कहते हैं, और इस कंडीशन को होम्योस्टेसिस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के कई बार जब बहुत ज्यादा समर्स के दौरान बहुत ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं या ह्यूमन मैमल्स की बात करें तो वो स्वेटिंग करते हैं, पसीना रिलीज करते हैं। पसीने के साथ में जो बॉडी की हीट है वो भी रिलीज होती है और हमें कूलिंग कूल महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, कूलिंग होती है हमारी। ठीक है ना, तो ये क्या है? एक ये हो गया। इसके अलावा जब विंटर होता है, जब बहुत ज्यादा तेज सर्दी होती है, तो हमें क्या कहते हैं, फीवरिंग होती है, कंपकंपी लगती है, तो ये एक टाइप की एक्सरसाइज है। तो इससे क्या है? हीट जनरेट होती है और उससे क्या है कि हम सर्दी से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। आगे बात समझ में। तो रेगुलेट का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं, चाहे बाहर कैसी भी कंडीशन। बताइए समझ में आया नहीं है? आ गया। सेकंड लेते हैं हम कंफर्म। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, कंफर्म में क्या है कि कई एनिमल ऐसे होते हैं, आप एवीज को छोड़ दें आप लोग और मैमल्स को भी छोड़ दें, तो कई बाकी जो एनिमल्स हैं वो अपने आप में चेंजेस ले आते हैं। उनके बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ साथ में चेंज होता है। ठीक है ना, कई बार फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी मैटर करती है। जैसे कि आप जो पोलर एरिया है, जो पोलर एरिया है वहां पर आपको छोटे एनिमल नजर नहीं आएंगे, आपको जो एनिमल्स हैं वो बड़े ही नजर आएंगे। इसका रीजन ये होता है कि जो छोटे एनिमल्स हैं उनका क्या है कि सरफेस एरिया उनके वॉल्यूम के कंपेयर में ज्यादा होता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपेयर में ज्यादा होता है, और इसलिए उनको ठंड ज्यादा लगती है।
और उस ठंड से बचाने के लिए उनको मेटाबॉलिक एनर्जी ज्यादा एक्सपेंड करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। तो यही कारण है कि जो पोलर एरिया है, जो बर्फीले जो इलाके हैं, वहां आपको बड़े एनिमल मिल जाएंगे, लेकिन छोटे एनिमल उन एरिया में नहीं मिल पाएंगे। तो कन्फर्म क्या है कि अपने आप को चेंज कर देना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज हो जाते हैं या अपने आप ही चेंज हो जाता है उनके बॉडी का नेचर या टेम्परेचर जो भी है, ठीक है। तो ये क्या है, कन्फर्म, समझ में आ रहा है आपके? फटाफट से अपन दो टॉपिक और ले लेते हैं, रेगुलेट हो गया, कन्फर्म हो गया। अब दो और ऐसा है कि एक तो है माइग्रेट, माइग्रेट, और एक है, फोर्थ है सस्पेंड। हाँ बच्चों, ध्यान से देखिए, दो और स्ट्रेटेजी है। अगर जो अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो एनवायरमेंटल जो एडवर्स कंडीशंस हैं, अगर शॉर्ट टाइम के लिए हो, तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस सिचुएशन से अपने आप को दूर कर लेते हैं थोड़े समय के लिए, और जब वापस से फेवरेबल परिस्थितियां आती है तो वापस से वो आ जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेट करना कहते हैं। तो कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें माइग्रेशन देखने को मिलता है। हर साल सर्दियों में भरतपुर के अंदर केवला देवी घना पक्षी विहार है, तो वहां पर साइबेरिया से कई सारे बर्ड्स विंटर में यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा जब ठंड होती है, बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन होती है, तो वो माइग्रेट करके यहाँ आ जाते हैं। तो एक से दूसरे स्थान पर मूव कर जाना, इसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेट करना कहते हैं, या माइग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। और ये थोड़े समय के लिए होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं तो जो ऑर्गेनिज्म है अपने और वापस ओरिजिनल जो प्लेस है वहां पर आ जाते हैं। समझ में आ गई बात, तो इसे माइग्रेट करना कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सस्पेंड। कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी देखने को मिलता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। जब एडवर्स कंडीशंस होती हैं तो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्लो कर देते हैं, और जब तक अनफेवरेबल सिचुएशन रहती है वो ऐसे ही रहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वापस से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सस्पेंड करना, अपने आप को क्या करना, सस्पेंड करना। और इस इनएक्टिव स्टेज को हम कहते हैं डॉर्मेंसी। द इनएक्टिव स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ए सीड, ए स्पोर, इन द एडवर्स कंडीशंस इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। इसे हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी कहते हैं। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन का मतलब होता है सर्दियों में इनएक्टिविटी। आपने देखा होगा सर्दियों में आपको लिजर्ड नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो रेप्टाइल नजर नहीं आएंगे, और भी कई सारे एनिमल विंटर में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। तो विंटर में इनएक्टिव स्टेज में जाना, इसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। आपने देखा होगा जो फ्रॉग्स हैं वो बारिश में ही नजर आते हैं, सर्दियों में नजर नहीं आते, क्यों, क्योंकि वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, हाइबरनेशन। इसी तरीके से कई एनिमल ऐसे होते हैं जो गर्मियों में, समर्स में अपने आप को बहुत ज्यादा हीट या टेम्परेचर से बचाने के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, अपने बिलों में चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। द इनएक्टिव स्टेज ऑफ एन एनिमल इन द समर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। समझ में आ गई बात आपके। नेक्स्ट लेते हैं डाइपोज। डाइपोज इज द स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। जू प्लैंकटन, वाटर बॉडीज के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम जू प्लैंकटन कहते हैं। ये जो जू प्लैंकटन है, जब एडवर्स कंडीशंस होती हैं, तो एक ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जो कि सस्पेंडेड डेवलपमेंट को शो करती है। तो इस इनएक्टिव स्टेज को या सस्पेंडेड डेवलपमेंट की स्टेज को हम क्या कहते हैं, डाइपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोज कहते हैं। इट इज फाउंड इन जू प्लैंकटन। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन। अब ये तो बात होगी इनएक्टिव स्टेज में जाना या अपने आप को कहीं और शिफ्ट कर लेना, अब अडेप्टेशन भी हो जाते हैं, अडेप्टेशन भी आते हैं
अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो ये हम कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।